देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन है, इसको करना है आपको फैक्टराइज। समझ आ रहा है? अब यूजुअली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप परेशान ही हो जाएंगे, बट यूजुअली क्लास 9th के लेवल पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग अनंटिल आपने टीचर को पत्थर मारा, ये तो नहीं आनी। बट इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा हिंट एक्चुअली उसमें मिल जाता है। हिंट ये मिल जाता है कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। मेरी बात ही समझ आई? थोड़ा सा हिंट एक आइडिया सा लग जाता है। और फिर आपने क्या करना है, जो हम काफी देर से डिस्कस करते जा रहे हैं, ये जो माइनस है, ये जो चमकता हुआ माइनस है, इस माइनस को बेसिकली आपने ब्रैकेट के अंदर ले जाना। मेरी बात नहीं समझ बेटा? समझ आया? तो ये माइनस को उठा के मैं ब्रैकेट के जब अंदर लेके जाऊंगा, तो ये देखो, ये वाला बी स्क्वायर पॉजिटिव का हो गया, ये वाला ए स्क्वायर पॉजिटिव का हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला जो पॉजिटिव सी स्क्वायर था, अब ये नेगेटिव का सी स्क्वायर हो गया। नहीं समझ आया? सुखी जी, डाउट है तो पूछ लीजिए। ये बहुत बार हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आप बैठे हो थोड़ी देर तक सो जाओगे, सीधे बैठो, आप ऐसे करो, ये चेयर पर बैठो, 2 मिनट तक आप सो जाओगे, इस टाइम पे बैठे हो बढ़िया आएगा। माहौल बना के, बारिश हो रहा है, सो जाओगे। ये देखिए, ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बाहर का माइनस जब अंदर जाता है तो अंदर जितने भी उनके साइन है उन सबको चेंज कर देता है। मेरी बात ही समझ आ रही है क्या? जैसे अगर कभी ये भी लिखा हुआ है ए माइनस सी, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस बाहर लेके सी प्लस ए लिखता है। मैंने ठीक लिखा, गलत कैसे लिखा? हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है सर, आप ठीक ही करते हो, गलत सेम। अजी बोलिए सर, वो माइनस हो जाएगा बट प्लस पॉजिटिव में भी तो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर मुझे सर ये बताइए, ब्रैकेट के अंदर जो सी है क्या उसका साइन ठीक है? यस सर। ए का साइन? मैडम वहां पर आपको बात समझ आई? आपको बात समझ आई? अब ठीक है, सी है, देखिए लेफ्ट साइड पे जो सी है, लेफ्ट साइड पे जो सी है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी तो नेगेटिव ही होना चाहिए, और यहाँ अगर ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ए पॉजिटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव अगर आपने बाहर ले लिया, अंदर के जो साइंस है उसको कैसे मैनेज करना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ आई? तो इस स्टेप में सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ यही क्रिटिकल है कि ये वाला जो माइनस है इसको आप अंदर ले लेते हैं, अगर अंदर लेंगे तो ये जो पॉजिटिव ये नेगेटिव बन गया, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन गया, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन गया। मैडम आपको समझ आया? भाई समझ आ रहा था? तो जैसे ही आपने ये किया तो मतलब एकदम बिजली कड़की और आपको सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो गया। ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सारा का सारा बेटा कॉमन था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया बाहर, और अंदर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। नहीं समझ में आया? सैम जी ठीक है? मैंने तो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, लास्ट एडिशन में ये नहीं था, तो उसके बाद ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुखी जी आपका डाउट है? ये भी देख लीजिए एक बार शांति से, ये भी देख लीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुमा जी आपने किए? ये बेटा आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से 9th क्वेश्चन है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। श्रेया जी आपने किए? आपने किए? नहीं। ओके मैडम आपने किए? सैम जी बताइए कैसे किया जाए? मैं पहले ब्रैकेट खोलने होंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। ओके शाबाश, फिर क्या करें? फिर हम ग्रुपिंग में करते ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट ए बी प्लस एक्स स्क्वायर।
क्या आप ये बोल रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? सर मैंने ऐसे करा ए बी ब्रैकेट में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। ए बी ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तो किसी को दुख ले फिर ना। ये जो है ना, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये है ये वाला मेथड फैक्टराइजेशन का। कौन सा वाला मेथड? एक बार सिर्फ मैं आपको दिखा दूं कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। ये है बेटा टाइप टू वाला, ग्रुपिंग जो है ना, ये मैं ग्रुपिंग चेंज कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया मेरी बात? भाई डेढ़ क्वेश्चन है यार, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। मैं आपका दुख समझता हूँ, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब इसमें फिर क्या करेंगे, ये वाला जो, इसको मैं ग्रुप कर दूंगा और इन दोनों का मैं ग्रुप कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? आप जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। मेरी बात समझे? अभी शायद नहीं समझ आता है, बट एक बार ऐसा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे तो ये समझ आएगा कि क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। कोई डाउट है? पक्का? तो ए कॉमन लिया मैंने, एक्स कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह गया? बी एक्स प्लस ए। अब यहां देखिए, चमत्कार देखिए, यहां पर मैं कॉमन क्या ले सकता हूं? बी, और अंदर क्या रहेगा? बी एक्स प्लस ए। नहीं समझ में आया? चमत्कार दिखा आपको? चमत्कार क्या दिखा? बिल्ली लैपटॉप के ऊपर से जा रही है, मैंने ये चमत्कार देखा। बिल्ली लैपटॉप के ऊपर से जा रही है, मैंने ये तो बोलिए समझ। बी एक्स प्लस ए जो है बेटा वो कॉमन है। नहीं समझना? टेढ़े क्वेश्चन है यार, चिंता मत करो। बी एक्स प्लस ए जो है ना, ये वाला बी एक्स प्लस ए और ये बी एक्स प्लस ए, ये दोनों कॉमन है। ओके, दोनों कॉमन है। नहीं समझना? पक्का? तो बी एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस ए जो है वो कॉमन। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बी एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स प्लस बी। नहीं समझ आया? ये फाइनल आंसर है। सुखी जी बोलिए। श्रेया जी आप सर, मुझे सैम जी आपने यही किया था? ये जो है मैं आपको फिर से बता दूं, इट इज अ मिक्सचर। समझ आ जाएगा, पेशेंस रखिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कौन सा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन? टाइप टू जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, टाइप टू ग्रुपिंग, और टाइप थ्री ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये स्प्लिटिंग का मेथड, ये दोनों का मिक्सचर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेढ़े क्वेश्चंस कम ही आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, चैप्टर मत छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन इजी आएंगे। और मैं तभी आपको बोला था कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हमने 5A की, उसमें 8-10 क्वेश्चन किए, 5C में भी 8-10 क्वेश्चन किए, तो वही क्वेश्चन कीजिए, इधर उधर मत जाइए। यहां तक कोई दुख ले ना? ओके, तो नेक्स्ट देख लीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। नहीं समझना? सैम जी आपने किया? आपने किया? आपने 8 तक किया मैडम आपने? सर मैं तो पता ही नहीं। सुखी जी आपका तो डाउट है, सैम जी आप बताइए कैसे करूं? हमें इसमें भी नहीं, इसमें फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स बी वाई और फिर बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मैंने लिख दिया, फिर क्या करूं?
बीएक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर के लिए ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज आप कर बोल, आप कह लेंगे। रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर आप ब्रैकेट खोल दो, ये कह रहे हैं हाँ सर, आप यही कह रहे हैं ना कि ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर की ब्रैकेट खोल दो और फिर बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर की ब्रैकेट खोल दो तो कुछ सॉल्यूशन हाँ मिलेगा। श्रेया जी, श्रेया जी जरा बोलिए, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, कैसे एक्सपेंशन लगेगी, बोलो बेटा, शाबाश। ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, शाबाश, प्लस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, किलर, आग लगा दी, मतलब थोड़ी हिम्मत कीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर भी बोल दीजिए बेटा। नहीं समझ में आ, जमाल जी ठीक है, श्रेया जी आगे कुछ बताइए। ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है। अब ऊपर जो टर्म्स नजर आ रही हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पे थोड़ा देखिए, कुछ नजर आता है आपको, कोई रास्ता नजर आता है? जी बोलिए, क्या हम इसको कट कर सकते हैं श्रेया जी? सुमान जी, अलग अलग है, फिर ये दुष्ट क्यों बोल रही है कि इसको हम कट कर सकते हैं? एक बार देख ही लेते हैं, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या है, टू ए बी एक्स वाई, नहीं समझना, और दूसरी टर्म क्या है, माइनस टू ए बी एक्स वाई, नहीं समझ में आ रहा, तो क्या ये कट हो सकते हैं? श्रेया जी, सर मैं तो इतने ज्यादा ए बी एक्स वाई देखे कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, हाँ मेरे तो जान निकल जाती, इतने ए बी एक्स वाई नहीं मैं हैंडल कर सकती। श्रेया जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, है ना? दर्द, सर में दर्द होता है, कहाँ होता है, बीच में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? सुखी जी बोलिए, बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो यहाँ पर लिखा है, क्या मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मतलब इसका आंसर है, हम सॉरी नहीं कर सकते? चलो बहुत बढ़िया, श्रीमान जी आप कर तो सकते हैं, माइनस है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, नए नए रंग रूप और नई नई स्टोरी, मैथ्स बड़ा बोरिंग है, ऐसे मतलब नए नए आंसर मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ लाइक टर्म्स है, टू और टू जो है वो कॉफिशेंट है, और ए बी एक्स वाई और ए बी एक्स वाई जो वेरिएबल है वो सेकंड, नहीं समझ रहा, मैडम एक बात समझिए, समझ एक बात समझिए, क्योंकि हमारा अलजेब्रा वीक है तो हम छोटी छोटी चीजों से बड़ी लंबी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें काफी चीजें समझ आ जाए, मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, तो पहले तो अभी अभी जो बात चल रही है, सिमान मैं अभी आपका आंसर देता हूँ, तो पहली तो हमारी ये आंसर चल रही है कि इसको बोला जाता है, श्रेया जी आप ही समझाइए, कॉफिशेंट, सर समझ लो मेरे से अच्छी तरह, आई एम सॉरी, वो आज पता चल रहा है आपको, अभी नहीं पता, वो पता चल रहा है, और ये ए बी एक्स वाई और ए बी एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल। तो पहली बात तो ये कि इंसिडेंटली ये ओके फर्स्ट है कि आर दीज लाइक टर्म्स, यस दे आर लाइक टर्म्स बिकॉज जो वेरिएबल टर्म है ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई वो सेम। दूसरी बात कि इंसिडेंटली इस केस में जो कॉफिशेंट है टू और टू वो भी सेम, सो दीज आर लाइक टर्म्स, दे कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा जीरो। जो जीरो आंसर है उसको हम लिख देते हैं कि सर ये कैंसिल हो गया, नहीं समझ में आया, आप मेरे साथ हैं क्या? तो इस ये और ये कैंसिल हो गया, यहां तक मेरे साथ है मैडम आप? चल मैं तो आपको समझा रही हूँ कि कॉफिशिएंट और वेरिएबल में फर्क क्या हो गया, आप मेरे से क्या पूछ रहे हो, इजी नहीं है, और मैं आपसे आज क्वेश्चन भी पूछा लिटरल कॉफिशिएंट का, और आपने मतलब जवाब दिया नहीं, साइड कंटिन्यू काट गया आप, डर लगा उसका, मैं वो डिस्कशन में जाना चाहिए, वो क्लास 8 का था, याद है शांति साहब जी, याद है शांति? हाँ सर, ओके, तो ये सारा तहस नहस हो गया, ये सारा तहस नहस हो चुका है, सब मतलब बर्बाद हो चुका है,
यहाँ तक सब बर्बाद हो गया। यहाँ तक सब बर्बाद हो चुके हैं और फाइनली हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है कि फाइनली जो हमारे पास बचा है वो ये बचा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, याद रखा। अब थोड़ी सी रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बड़े अच्छे, समझदार, सुंदर, सुशील बच्चे हो आप सब। यहाँ पे कुछ बुक के लिए दे देना सैंडी, कोई डाउट सैंडी, कोई डाउट? अरे सैंडी सो गई, उसे ना सो गए थे ना क्लास में, लेट आ गई। कितना, 15 मिनट 20 मिनट तब तक आप सो चुके थे। बट फाइनली आपकी कोई आवाज आनी बिल्कुल बंद ही हो गई थी, तो फिर हाँ उसके बाद आवाज नहीं आई थी आपकी, फिर हम समझ गए कि सेम, अब मतलब कफ सिरप पी के सो चुकी है। I'm sorry. अच्छा ओके, तो 12th क्वेश्चन देख लीजिए। अब ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये भी जो है ये स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म वाला ही क्वेश्चन है, वो जब करेंगे तो समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। बट थोड़ा पेशेंस रखिए, बार बार कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो आप क्या इरिटेटेड हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो होते ही नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें फर्स्ट स्टेप ये किया जाता है। सैम जी फिर क्या करो, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a एक ग्रुप में आएंगे और a x क्यूब प्लस x एक ग्रुप में आएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शाबाश। श्रेया सोच रही इसको सब कैसे पता चल जाता है, मुझे तो दिखता नहीं है, इसको सब दिखने शुरू हो जाते हैं। x प्लस a आएगा, ओ हाँ सॉरी, माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, नहीं है ओके। श्रेया जी को समझाएंगे एक बार भाई रिवाइंड कर लें इसको, मैडम पीछे रहेगी साइकिल से जल्दी। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए, तो श्रेया जी पहले तो ये ब्रैकेट खोल ली गई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए, आपको याद है, समझ आ गया। अब ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग कैसे होगी कि इसको एक टर्म बनाया जाएगा और इसको दूसरा टर्म कंसिडर किया जाएगा, बेटा याद है, समझ आ गया। तो पहली जो टर्म है उसमें से आपने क्या कॉमन ले लिया, ए एक्स स्क्वायर, जैसे ही ए एक्स स्क्वायर लिया तो ये एक रहा और ए एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहां पर रह गया, सीधे तो कर क्या रहा, तो कर क्या रहा, समझ आ गया। एक्स प्लस ए, संयम जी क्या कर रहे हैं आजकल, कुछ नहीं, उसका लाइफस्टाइल बड़ा सही है यार, लाइफस्टाइल और रिच एंड फेमस है, उसके कॉलेज शुरू नहीं होएगा अभी तक, बाकी घर बैठे वीडियो खेलता और पूछते होंगे तो बोला यार बिजी हूं मैं, मुझे तंग मत किया करो यार, है ना, यही बोलता ना, यार तंग मत किया करो, इरिटेट मत किया करो, भागो यहाँ से। समझ आ गया, सैम जी को डाउट, सैम जी मेरे ठीक है, हाँ श्रेया जी आपको डाउट, सॉरी वो आंसर कहते हैं, देख लीजिए बेटा, ये हमने ये वाली टर्म को इकट्ठा किया, ये वाली टर्म को इकट्ठा किया, तो ये वाली टर्म जो है वो ऐसे रिड्यूस कर दी, और ये वाली जो टर्म है x प्लस a उसमें हमने x प्लस a लिखा और यहां पर ये 1 रिड्यूस कर दिया, बेटा नहीं समझ रहा पक्का। अब थोड़ा सा शांति से देखिए, थोड़ा सा शांति से देखिए, ये मैं ज्यादा मतलब
पिकासो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ा साफ सफाई की जाए ताकि बच्चों को दिखे कि कर क्या रहा है अध्यापक। तो ये देखिए, ये ए प्लस एक्स लिखा हुआ है और ये एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, तो ये ए प्लस एक्स जो है वो कॉमन आ जाता है, और बचा क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। कोई जानती, कोई डिप्लेस लेकर सैम जी को डाउट, फाइव ए में कोई और? ओके सुनो जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि 1 to 12 अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो बहुत ठीक है, 5 में इतने क्वेश्चन कर लिए बहुत है, तो दो टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिए। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 3 ये और प्लस 1 4, वो रिपीट करके लेके आइए कर, नहीं तो मेरे करने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। क्लास 10th 9th में मैथ्स लिया तो 10th में भी लेना पड़ेगा, तो अब तैयारी इस हिसाब से करूँ कि मैं 10th के एग्जाम देने 9th में पास कर लेते, कोई नहीं चिंता मत करना।